Hello and welcome to grad school. This is Kiran and today we will start with a new topic from life processes, that is circulatory system. Bahut hi interesting topic hai ye. Apni notebook aur pen apne saath rakhiye so that you could note down some of the extra points. So let us start with the video. ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. इसको देख के घबराना नहीं क्योंकि इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन भी है नेक्स्ट स्लाइड में. सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है. इसको अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि कई बार एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वो क्या करेंगे, आपको स्ट्रक्चर जो है वो मार्क कर देंगे. यहाँ पे जैसे इसका नेम नहीं दिया होगा वैसे ही पूछ लिया होगा. यहाँ पे स्ट्रक्चर वन लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे टू और पूछेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट दैट इज़ मार्क्ड बाय नंबर वन एंड नंबर टू. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एनसीईआरटी पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में इसकी पिक्चर छप जानी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. जो ह्यूमन हार्ट है इट इज़ अ डबल लेयर्ड सैक. ये दो लेयर से बना होता है जिनको बोलते हैं पेरिकार्डियम. एक आउटर पेरिकार्डियम होती है, एक इनर पेरिकार्डियम होती है. और जो इनके बीच ये स्पेस होती है, दो पेरिकार्डियम के बीच ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी. और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसका काम क्या है? इसका काम है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना सो दैट फ्री मूवमेंट हो सके, जो हार्ट की पंपिंग है वो फ्री हो सके, वॉल्स की आपस में फ्रिक्शन ना हो. ठीक है, सो हार्ट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, एक राइट और एक लेफ्ट. डिवाइड कौन करता है? इट इज़ डिवाइडेड बाय सेप्टा. हर पार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं, सो टोटल हो गए चार चैम्बर. राइट पार्ट में आपका होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये हैं क्या? एट्रियम का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना. इट एक्ट एज अ कलेक्टिंग चैम्बर ऑफ हार्ट. सो इसी वजह से, क्योंकि इसने तो सिर्फ ब्लड को कलेक्ट करना है, डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड आएगा उसको कलेक्ट करेगा, तो इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं. जो वेंट्रिकल है उसका काम क्या है? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना. सो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर ऑफ हार्ट. तो इसने दूर तक ब्लड को पंप करना है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पंप करना है, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं. ठीक है, तो अब जो है ब्लड जो है डिफरेंट जो है आर्टरीज एंड वीन्स जो हैं लेके आती हैं हार्ट तक. पल्मोनरी आर्टरी जो है एक लौती एक्सेप्शन है. वैसे तो सारी की सारी आर्टरीज प्योर ब्लड लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक लौती एक्सेप्शनल आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड लेके आती है. ठीक है, इसी तरीके से एक और एक्सेप्शनल केस है, वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि एम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक लौती एक्सेप्शनल वेन है जिसमें जो है आपका प्योर ब्लड होगा. जो वेना कैवा है, वेना कैवा क्या करती है? दो होती हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा. ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो है, सुपीरियर वेना कैवा हेड और अपर रीजन जो है बॉडी का, उसमें से इन्फीरियर वेना कैवा जो है लोअर रीजन जो है बॉडी का, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट साइड तक लेके आती है. ठीक है, तो अब जो मैंने दो नाम बोले थे आर्टरीज एंड वेन्स, वो हैं क्या, उनमें डिफरेंस क्या है? आर्टरीज वेन्स के अलावा एक और नेटवर्क है जो ये दोनों आर्टरीज एंड वेन्स बनाती हैं, दैट इज़ कैपिलरीज. तो हम तीनों का भी डिफरेंस देखेंगे और दोनों का भी डिफरेंस देखेंगे. सो आर्टरीज एंड वीन्स में क्या डिफरेंस होता है? आर्टरीज, इसका काम क्या है? इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है आर्टरी. वीन्स का क्या काम होता है? दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट तक लेके आती हैं.
इसमें क्योंकि जो है ये जो ब्लड है ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाएंगी, तो इनमें जो ब्लड प्रेशर है ये हाई रहता है, वेन्स में जो है ये ब्लड प्रेशर जो है ये लो रहता है। अब जो आर्टरीज़ हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है तो आर्टरीज़ जो है इनकी वॉल्स थिक रहती हैं, सो दैट दे कुड बियर दैट हाई प्रेशर। वेन्स की जो वॉल्स हैं ये थिन होती हैं, नैरो ल्यूमन रहता है आर्टरीज़ में, वेन्स में जो ल्यूमन है, ल्यूमन होता है जो अंदर वाली स्पेस होती है, ये जो आर्टरीज वेन्स हैं ये हैं क्या, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके अंदर वाली जो स्पेस है उनको ल्यूमन बोलते हैं। इन आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं होती, इनका फंक्शन क्या होता है वॉल्स का, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। अगर ब्लड फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड ही जाएगा, कहीं वो बैक ना चला जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं होती, वेन्स में होती हैं। जो आर्टरी है उसका जो ब्लड है दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक एक्सेप्शनल मैंने पीछे भी बताई है आपको, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, इकलौती एक्सेप्शनल आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वीन्स का काम क्या है, दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज, वीन्स और जो कैपिलरीज हैं, इन तीनों में क्या फ़र्क है। पहला फंक्शन क्या है तीनों का, फंक्शनल बेसिस पे ये कैसे वेरी करती हैं। जो आर्टरीज हैं इनका काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक लेके जाना, वीन्स का बाकी बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेके आना, और कैपिलरी का काम क्या है, टिश्यूज़ के बीच में जो टिश्यूज़ एंड ब्लड में जो एक्सचेंज रहता है फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। प्रेशर की बात करूं तो आर्टरीज़ में प्रेशर हाई रहता है, क्योंकि इसने जो है ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है, तो एकदम से जब हार्ट पंप करता है तो वो जाएगा कहाँ पंप होके, वो क्या आर्टरीज़ में जाएगा, तो हाई प्रेशर में होगा ब्लड। तो वेन्स का लो रहता है, कैपिलरीज़ में भी ब्लड प्रेशर लो रहेगा। ल्यूमन की बात करूँ तो आर्टरीज़ का ल्यूमन रहेगा नैरो, वेन्स का होगा वाइड, और जो कैपिलरीज हैं इनका तो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, जैसे कि एक सेल की जितनी विड्थ है उतना जो है इसका ल्यूमन होगा। थिकनेस की बात करूँ तो आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, वीन्स की थिन होंगी, कैपिलरीज़ की उससे भी ज़्यादा थिन होंगी। वॉल्स तीन वॉल्स होती हैं आर्टरीज़ की एंड वीन्स की, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। अब ये मैं पहले एक्सप्लेन करूँ, पहले दिखा देती हूँ कि ये लेयर्स हैं क्या। दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम शोइंग थ्री लेयर्स ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स। जो इनर मोस्ट लेयर है आर्टरीज की उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। इनर टू ट्यूनिका इंटीमा जो मिडल वाली लेयर है वो आती है ट्यूनिका मीडिया, और जो बाहर वाली लेयर है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स हैं आर्टरीज और वीन्स में, ये तीनों प्रेजेंट होती है, लेकिन कैपिलरीज में सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा ही प्रेजेंट रहती है। अगर मैं बात करूँ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स की जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, तो कैपिलरीज में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं फाइबर्स, वेन्स में कम होते हैं, कैपिलरीज में बिल्कुल भी नहीं होते। वॉल्स की बात करूं तो आर्टरीज़ में कोई वॉल नहीं होती, ना ही कैपिलरीज़ में होती है, लेकिन वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है ब्लड, जो हार्ट है ये इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। ये जो ब्लड पंप हो रहा है ये इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आपने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो ब्लड क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट्स में हमारे पास आते हैं ब्लड कॉर्पसल्स मींस ब्लड सेल्स, लिक्विड कंपोनेंट में होता है हमारा प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स हैं ये तीन टाइप के होते हैं, RBCs जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, WBCs जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब फंक्शन क्या है तीनों का, RBCs का फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसको हम HB से
रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड को रेड कलर देना, और यही है दैट इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देन है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका काम होता है ब्लड की क्लोटिंग करवाना। अगर किसी जगह पे कट लग जाए तो एकदम से ब्लड जो है उसकी, उसका जो बहना है वो रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उस जगह पे, उस इंजरी इंजर्ड साइट पे जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, उनकी वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है। थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ कॉर्पसल्स इन ब्लड आर WBCs, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब अगर कोई हार्मफुल माइक्रो बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का एक खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको हम बॉडी का इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो वो इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ आती हैं वो कौन बनाते हैं? वो WBCs बनाते हैं। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ फ्लूइड कंपोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये एक येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में आपके कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, कुछ आयंस होते हैं जो एज अ बफर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन एक एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलिन की, जिनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में IG। इनका काम क्या है? इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन या IG का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना अगेन, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन दोनों मिलके प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं, ताकि जो प्लाज्मा में है जो वाटर की क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अगर वाटर कम होगा, एक्सेस वाटर अगर ब्लड से फिल्टर हो जाए टिश्यूज़ में, तो होगा क्या? हमारे हाथ पैर सूजने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी हाथों पैरों की। सो ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, सो दैट द लेटर में रिटेन वाटर। अब है आपका ये जो ब्लड है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई कैसे होता है, किस पार्ट से जाएगा और किस पार्ट तक जाएगा, ठीक है। सो ये जो पार्ट है, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, बॉडी के ऑर्गन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, बॉडी ऑर्गन ने ऑक्सीजन यूज़ की है और एज अ वेस्ट मटेरियल उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है वेना कैवा, मेन वेन जिनको बोलते हैं हम, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, वो बॉडी ऑर्गन से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को लेके जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो ऐसे ये शो किए हुए हैं, ये वॉल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था वॉल्स का काम क्या होता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ठीक है। जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होती है, उसका नाम है ट्राई कस्पिड वॉल, TRICUSPID, ट्राई कस्पिड वॉल। तो जैसे राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, ये जो वॉल्व हैं ये ओपन हो जाएंगी और सारे का सारा जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को ले जाएगी। ये ब्लड अगेन डीऑक्सीजनेटेड ही है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी लंग्स को। लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई, जहाँ ऑक्सीजन जो है वो आती है। एल्वियोलाई इज़ द प्लेस इन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो लंग्स में है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आर रिच इन ऑक्सीजन। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, जो लंग्स हैं ये इसको प्योरीफाई करेंगे और जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में ऐड करेंगे। तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, प्योर हो गया, उस प्योर ब्लड को लंग्स से उठा लेगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो है ये इसको, यहाँ पे जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है इनका नाम है
बाइकस्पिड, BICUSPID। ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा मेन आर्टरी में, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, और एओर्टा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई कर देगी। ठीक है, तो अब क्या है, हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको ब्लड हार्ट का स्ट्रक्चर पता चल गया, डिफरेंस पता चल गई आर्टरीज और वेन्स में क्या है, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है, जो लेयर्स हैं वो पता चल गई आपको, और आपको पता चल गया कि हाउ हार्ट जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जो है हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है। ठीक है, तो होप करती हूँ आपको ये जो सीरीज़ है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिए, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ग्रैड स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।